अरे यार आज भी जीन्स प्रेस नहीं हुई। राघव हाँ पापा। जा जा अपनी मम्मी को बुला के लाओ। मम्मा। राघव बेटा वहां जाके बुला के लाओ मम्मी को। हाँ जी क्या काम है बोलो। भैया मेरी जीन्स अभी 2 दिन से प्रेस नहीं हुई, कब होगी प्रेस? अरे यार मुझे लगता है ठंड के चक्कर में ना प्रेस वाली आ नहीं रही है। तो ये तू ही प्रेस करके दे दे मुझे। यार मेरे पास कहाँ टाइम है। ये क्या भाई ये चक्कू क्यों दिखा रहे हो? अरे वो मैं सब्जी काट रही थी वो छोड़ो यार मुझे खुद भी टाइम नहीं मिल रहा क्या करूं। आके रखना मैं आज दूसरी जींस पहन के जा रहा हूँ। अब देखती हूँ टाइम मिलेगा तो कर दूंगी। सब्जी का क्या हुआ भाई सब्जी नहीं लाए? भाई मैं भी जा नहीं सकता मेरी मीटिंग है। तो यार मैं क्या बनाऊं कोई भी सब्जी नहीं है घर में। एक काम करो तुम जाके नीचे से जाके ले आओ। मैं ले आऊं? अभी राघव का इतना होमवर्क पड़ा है उसकी क्लास भी और कपड़े मुझे तय करने हैं मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है। ये भी जो करना है वो कर लो मेरी मैं अभी मीटिंग में नहीं छोड़ के जा सकता। ठीक है भाई। अरे ज्योति नाश्ते का क्या हुआ? क्या बात है यार आपको ना बिल्कुल सब्र नहीं है मेरा काम करना मुश्किल कर दिया है। थोड़ा सब्र भी नहीं है मिल रहा है नाश्ता रुक जाओ। अरे भाई मैं ऑफिस के लिए वैसे भी लेट हो रहा हूँ फटाफट नाश्ता ले आ। और रोज का ड्रामा हो रखा है कि रोज लेट हो जाता हूँ मैं और मेरी फिर कॉल आनी शुरू हो जाती है फिर मैं नाश्ता भी ढंग से नहीं कर पाता। अच्छा एक किचन का काम होता है वो भी टाइम पे नहीं हो पाता तुमसे। मेरे को बस एक किचन का ही काम है। वाह वाह क्या बात कर दी। और ये बच्चों को कौन देखता है पूरा घर कौन साफ रखता है आपके कपड़े कौन धोता है और प्रेस कौन करता है? अरे प्रेस की बात तो तुझे रहने ही दे 3 दिन से जींस बोल रहा हूँ अभी तक तो प्रेस नहीं हुई। लो हो गई प्रेस शुरू। नहीं टाइम मिला तो नहीं जींस प्रेस हुई क्या हो गया? बल्कि आपको ना कुछ काम नहीं है 2-4 कॉल्स अटेंड किए 2-4 मेल्स किए क्लाइंट्स को हैंडल किया और शाम होते ही फ्री बैठ के मनपसंद सीरीज देखो। हम तो शाम को भी फ्री नहीं होते रात के खाने का टेंशन भी मुझी को होता है। जब आप मजे से बेड में बैठ के कॉफी पी के टीवी देख रहे होते हो ना तब मैं रात के बर्तन धो रही होती हूँ इतना काम होता है मुझे। काम करके देख ले पता लग जाएगा कि कितना काम करना पड़ता है। सारा दिन क्लाइंट को जो सर्विस देनी पड़ती है ना वो एक के बाद एक फोन जो करते हैं पता लग जाएगा कि एक दिन में कितना काम करना पड़ रहा है। कर लूंगी पढ़ी लिखी हूँ क्या दिक्कत है आपका काम कर सकती हूँ लेकिन आप एक दिन मेरा काम करके दिखा दो। जब सारे दिन घड़ी की तरह खुद को घूमना पड़ेगा ना तब पता लगेगा कि घर के काम क्या होते हैं। इधर आना पता नहीं ये कब सुधरेंगे। तू आज मेरा काम कर और मैं तेरा काम करता हूँ। ओके चैलेंज एक्सेप्टेड चलो किचन में पहुंच जाओ और मैं आपके मेल्स करती हूँ। बना रहे हो? अरे बेटा ये तो इतने जानबूझ के बनाया है नक्शा रोज गोल रोटी खा के बोर नहीं होते। ठीक है फिर आपके हाथ का खा के देखते हैं आज। देखो क्या मस्त करा रही खुशबू भी आ रही है अच्छा तो लग रहा है सच में एकदम मस्त पराठे बनेंगे आज। पापा बस अब जल ना जाए। रोटी नहीं जली है तेरी माँ ये रोटी देख के जल जाएगी। इतनी अच्छी कैसे बनाई है? अच्छा तो चलो भाई आज किए जाए जरा काम और मनीष कपूर आप भी मजे लो करो घर के काम। मैं तो मजे से मेल्स करूंगी और फिर बैठ जाऊंगी ऑफिस के दिन याद आ जाएंगे सच्ची। A few moments later. अरे यार ये तो कितनी मेल्स आई हुई हैं इनको तो पढ़ने में मेरे 4 घंटे निकल जाएंगे रिप्लाई कब करूंगी। अरे बाप रे सुन ना ले फिर बोलेंगे हाँ तेरे बस की नहीं है। चल यार शुरू तो करते हैं। हेलो हाँ जी हाँ जी सर मनीष जी अभी है नहीं आप बता दीजिए मैं उनको आपका मैसेज दे दूंगी। अच्छा ठीक है ओके सर। अरे यार इनके कौन से बिल जनरेट करने थे। अच्छा तुमने कमरे का क्या हाल बना रखा है जल्दी साफ करो फटाफट। मम्मा तू खुद ही करती है पापा। चमचा उधर और जल्दी से खड़ा होके सफाई कर फटाफट। तुम्हें से जो मेरी हेल्प करेगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट
में हेल्प कराएगा ना उसको तो एक चौमिन भी मिलेगी। फटाफट आ जाओ जल्दी फटाफट आओ। अरे यार ये फाइल भी आज ही अटकनी थी, कैसे इंपोर्ट होगी? आज मैंने काम लिया ना, सारी आफत आज ही होनी है। नैना। हाँ मम्मा। मेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो अंदर है। यार ये फाइल इंपोर्ट कर, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा। वैसे तो मैं आपकी हेल्प करती नहीं, पर पापा की भी हेल्प की है मायरा और राघव ने। अच्छा अभी बताती हूँ। पर उन्हें ये मत बताना कि मैंने आपकी हेल्प की है। हाँ चल वो सब छोड़, तू मेरा काम कर दे, मुझे क्या करना है। देखो आपको यहाँ से मेन्यू में जाना है और... मुझे मत समझा, बस तू कर दे भाई, मैं तो पहले ही सर दुख गया है। कर दे बस तू, तब तक मैं कुछ व्हाट्सएप चेक कर लेती हूँ। अरे राघव ये क्या कर रहे हो बेटा, इतना गंदा क्यों लिख रहे हो? जब मम्मी करा रही हो तो मम्मी की डांट पड़ती है तो अच्छा लिखते हो, पापा के सामने गंदा लिख रहे हो, ढंग से लिखो। मम्मा का गुच्छा मुझे तो निकाल लियो पापा। शुक्र है भैया तेरा काम हो गया। अभी तो इंग्लिश और मैथ का भी काम लेता है। क्या भैया मैं नहीं करा सकता, मैं पहले ही थक चुका हूँ अपना इतना सारा काम कर करके, मैं जा रहा हूँ। बोलो। पापा कह रहे हैं कि आप जो सारे चेक्स है वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दो और पासबुक की एंट्री करवा दो। अरे यार अभी मैंने सिर्फ 6 मेल्स के रिप्लाई किए, मेरा इतना काम बाकी है, मैं कैसे अभी बैंक जाऊं? और 4 बजे के बाद बैंक में भी कुछ काम नहीं होगा, ये कौन करेगा फिर? मैं कल कर दूंगी। पर आज लास्ट डेट है तो फिर आज ही करवाना पड़ेगा। और हाँ फिर अगर आप नीचे जाओगे तो सब्जियां भी ले आना जो आप कल कह रहे थे। यार इतनी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में मैं नीचे जाऊं? मुझे घर में ही ठंड लग रही है। ठीक है जाओ देखती हूँ। एक काम कर मेरी कैप ला के दे, स्कूटी की चाबी ला। क्या मुसीबत ले ली मैंने। मायरा ये अपनी ग्लास और कॉपी लेके जाओ, तुम भी अपना सारा सामान यहीं रख देते हो। पापा वैसे आपको ये काम करना था, मम्मी भी खुद करती है। हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा वो मत करो। एक ग्लास पानी लेके आ बेटा। राघव जल्दी गेट बंद कर, बहुत हवा है। बापरे क्या हुआ मम्मा? अरे बाहर बहुत ठंड है बेटा, मेरी तो हालत खराब हो गई स्कूटी में जाके। मेरा फेस, मुझे लग रहा है मेरा फेस ही नहीं है, बिल्कुल चिल्ड हो गया है। मायरा दीदी को बोल मुझे गर्म पानी दे जल्दी, और मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही। पता नहीं ये कैसे चले जाते हैं, दिन में 4 चक्कर मारते हैं नीचे के, मैं तो एक राउंड में हालत खराब हो गई है। Later that night. अरे क्या हुआ? यार मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपका जो काम है ना भाई, धन्य है आप, 1 घंटे में इतने कॉल्स अटेंड कर लिए ना आज मैंने, जितना शायद मैं पूरे महीने में भी किसी से बात नहीं करती। भैया मुझे माफ करो, मेरे बस की बात नहीं है। मैं भी बहुत थक गया हूँ भैया, मेरे बस की बात भी नहीं है। तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करना है। सच में आप अपना संभालो, मैं अपना काम संभालती हूँ, वही बेटर है। अब आप बताओ किसका काम इम्पोर्टेंट है, आपका ना पापा का? काम तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट है, और तुम्हारे पापा भी अच्छा खासा काम करते हैं, ये बात तो मुझे समझ आ गई है। और मम्मी भी, और मैं भी करता हूँ ज्यादा। हाँ तुम तो बहुत काम करते हो, सारा दिन घर फैलाते हो। नहीं वैसे तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारा काम भी अच्छा खासा है, कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट तो नहीं करना चाहिए, और ये बात हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन व्हिच इज जस्ट नियर द सब्सक्राइब बटन। टिल देन कीप वॉचिंग राघव वर्ल्ड।